हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। 14 फरवरी 2019 यानी कि वैलेंटाइंस डे का मौका। ये दिन सभी के लिए खास होता है, लेकिन किसे पता था कि यही दिन कई लोगों के लिए एक मनहूस दिन बनकर रह जाएगा। इस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की वजह से सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए, वहीं बहुत से जवान घायल हुए हैं। इस भीषण आतंकी हमले को देखकर ना सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स बल्कि टीवी के भी कई स्टार्स इस खबर को सुनकर हैरान हैं और सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। आतंकवादियों की इस घिनौनी हरकत पर टीवी के इन स्टार्स ने क्या कहा, चलिए दिखाते हैं आपको उनके ट्वीट्स। करणवीर बोहरा, दिस इज हर्ट रेंचिंग, माई सिंसियर कॉन्डोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ द सीआरपीएफ जवान्स। दिव्यांका त्रिपाठी, Terrorists have failed. We are not terrorized, but revolutionized. It is not fear, but anger we have within us today. Indians shall always stand united. No bombs can blow up our spirits. Pulwama martyrs, you will be remembered. I hope and pray that our citizens, government, soldiers, and international forces come together to crush this deep-rooted terrorism. Kapil Sharma, Pulwama aatanki hamle mein mare gaye jawanon ki khabar sunkar bahut dukhi hoon. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस कठिन घड़ी से लड़ने का साहस दे। पूरे विश्व को एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है। विकास गुप्ता, इट इज हर्ट ब्रेकिंग टू हियर अबाउट द लाइव्स ऑफ सोल्जर दैट वेयर टेकन। वन लाइफ टेकन इज वन फैमिली अपरूटेड एंड देयर लॉस कैन नॉट बी इवन अंडरस्टूड बाय अस। वी कैन ओनली ट्वीट एंड से वी कंडेम इट। राजीव खंडलवाल, It is really, really sad to hear about the death of the CRPF personnel in Kashmir. Such mindless killings orchestrated by the enemies of peace and harmony will lead to more hate. I feel for families of the soldiers who lost their lives. Sunil Grover, Heart goes out to the people who lost their lives and their families. The whole nation is feeling the pain. Prayers, Kashmir terror attack. बता दें कि बॉलीवुड और टीवी स्टार्स समेत पूरा देश इस खबर को सुनकर दहल उठा है। यहां तक कि मोदी सरकार ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए पड़ोसी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि आतंकियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्हें इसका करारा जवाब मिलेगा।